भोजपुर के नए एसपी बने हर किशोर राय, उनका कहना है कि शराब माफियाओं को चुनौती दी। उनका कहना है कि 2 से 4 ही शराब माफिया हैं जिनके अंदर में शराब कारोबारी काम करते हैं। कैसे जिले में लगातार शराब के खेप बड़े बड़े बरामद हो रहे हैं और लगातार पकड़ भी जा रहा है, लोग गवाह देने पर उनको पिटाई भी किया जा रहा है, तो ऐसे में शराब उसमें हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे जितने भी हैं। विशेष तौर पे शराब माफिया हर क्षेत्र में दो चार जो है शराब माफिया होते हैं जिनकी छत छाया में बाकी लोग काम करते हैं, जो अभी तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है इसी प्रकार से। तो हम लोग वो जो बड़े माफिया है उनको टारगेट करके चलेंगे। उसमें पहले हम लोग जो बड़े माफिया है उनको चिन्हित कर लेंगे, एरिया वाइज कौन कौन है उनको टारगेट करके कार्रवाई करेंगे। दूसरा, आप जैसे बता रहे हैं कि जो उनके द्वारा जो मारपीट की घटना की गई है उसमें, तो वैसे केसेस हम लोग निकालेंगे, उसमें जो जो लोग वांछित हैं उन पे हम लोग सक्सेस। तो सर, क्या थाना प्रभारी को टारगेट दिया जाए, कितने दिन में कंट्रोल किया जाए, कुछ इस तरीके का टारगेट? अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टारगेट है। अब क्राइम कंट्रोल के लिए जैसे है तो हम लोग तो सूची 2-3 दिन के अंदर बनवा ले रहे हैं उसमें, और 1-8 सप्ताह के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी वांछित है खास करके गंभीर कांडों में उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पकड़ के हम लोग जेल के अंदर भेज दें। जो वर्तमान में अगर भागे हुए हैं या बाहर हैं उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका कोई वारंट इत्यादि नहीं।